that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Smiling while you're cursing, I admit it's working. You're working. Hey everyone, my name is Dhruv and welcome to my YouTube channel iDhruv. So in today's video there would be a very rare modification जो आज तक किसी ने अपनी कार के अंदर नहीं करवाई and I would be the first person in India to do it in a Tata Nexon. हालांकि लोग कई सारे इसके अंदर कार्स के अंदर कर चुके हैं but only in the front wheel base, not in the rear wheel base. The rear disc brakes and the brake calipers. I have installed the so-called fake Brembo brake calipers and the rear disc brakes, which are made up of 1mm iron sheet, and the front calipers are made up of ABS that is breakable. Obviously, if we put anything in the wheel base, we should make it breakable. अगर वो गलती से निकलता है, तो टायर के बीच में ना आए. So let's get started with the video. Now I'll be taking you all to the installation process where I'll install these calipers and the rear disc brakes. Before starting the video, make sure that you follow me on Instagram because all the updates of the video and of the modification I will give you there. And for any queries, you can contact me on Instagram through direct messages or my WhatsApp number is given. So without wasting any more time, let's get started with the video. So the first process would be installation, the second process would be the advantages, third would be the disadvantages, and the last would come about the overall experience that what I have faced. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, cause I'm nervous. It's you. कि लुक है वो एकदम डिफॉल्ट आ रही है क्योंकि पीछे देखो पीछे डिस्क है नहीं, कैलिपर्स नहीं है, कैलिपर्स लगेंगे इनके ऊपर. जो डिस्क ब्रेक्स का एंड जो कैलिपर्स का जो ट्रेंड है वो मैं शुरू करूंगा यहाँ से. कैलिपर्स का तो चलो लोग कर चुके हैं काफ़ी सारे कार्स के अंदर, लेकिन जो डिस्क ब्रेक्स है वो आज तक किसी ने इंस्टॉल नहीं करी और इस चीज़ का ट्रेंड यहाँ ध्रुव तनवर शुरू करेगा. मेहनत बहुत लगेगी, इसलिए फर्स्ट आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. तो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं आगे से शुरू करूंगा देन पीछे जाऊंगा क्योंकि ये सिलिकॉन ग्लू से चिपकेंगे. तो भाई टायर आ चुका है बाहर, पहले भाई नट संभाल. तो यस टायर जो है वो बाहर आ चुका है, ये कुछ अंदर का दिखता है ऐसा. ये जो पार्ट है ना ये हो चुका है रस्ट पूरा का पूरा, और ये जो ऊपर डिस्क का ऊपर का पार्ट है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हल्का सा सैंड करके साइड साइड में से, ज़्यादा नहीं सैंड करके इसके ऊपर मार दूंगा ब्लैक कलर का स्प्रे और इसको कर दूंगा कैलिपर्स को मैं अच्छे से क्लीन. ये सारा हो जाएगा देन देखते क्या होता है, लेकिन इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर इसके ऊपर से ही हमारे वो टिकेंगे. और यहाँ पर हमारी डिस्क ब्रेक है, ये कम्प्लीटली ऊपर आ जाती है अगर सर्विस के टाइम पर खुलनी हो तो. लगा देते हैं अभी सिलिकॉन ग्लू से लगा रहे हैं, अगर उतारना होगा तो उतार देंगे. साइजर ही यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि सैनिटाइजर भी अल्कोहल बेस्ड होता है एंड यस सफाई करने के काफ़ी काम आता है. के अंदर जो है वो मैंने बस टायर लगाया है और ये चिपकाया भी नहीं है, मतलब आधा काम है. तो मैं वो आइडिया दिखा रहा हूँ कि ये कैसा लगेगा. ये एकदम देखो एज टू एज चिपक कर चल रहा है इसके अंदर एकदम. देखो इसके अंदर पहली बात तो इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये चीज़ है प्लास्टिक की, अगर ये निकलती भी है तो टूट के साइड में चली जाएगी, तुम्हारी गाड़ी के अंदर कुछ फंसेगा नहीं, कुछ होएगा नहीं. पर जो है ना अच्छे से कैलिपर्स को, थोड़ा गंदा दिख रहा होगा लेकिन मैंने ज़रूरत वाली चीज़ों पे डाला है. अभी जहाँ पर ये पेंट यहाँ पर है ना, ये तो चलो ब्रेक से हट जाएगा इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ वो यहाँ पर स्टिक होएगी. ओके इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं उसके बाद करते हैं प्रक्रिया शुरू. इट्स टोटली डन. अभी यहाँ पर ग्लू लगा दिए जरा हल्का, पीछे पूरी पूरी जो है ना ग्लू लग चुकी है अच्छे से, ये भी पेंट हो चुका है. इसको सूखने देते हैं थोड़ी देर अभी क्योंकि थोड़ा गीला है. फाइनली जब ये सारा काम हमारा हो चुका है तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसका क्लियर कोट फॉर लॉन्गेटिविटी ऑब्वियसली.
Finally, the tours are done. ठीक है, रनिंग शॉर्ट्स में आपको पक्का दिखाऊंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, उस साइड का मैं लगा लेता हूँ, अभी लेफ्ट साइड का मैंने लगा दिया है, राइट साइड का मैं लगा लेता हूँ। आई वोंट शो ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रोसेस इसके अंदर समझ आ गया है। एंड एक बार मैं प्रोसेस दिखाऊंगा रेयर टायर के अंदर जो डिस्क ब्रेक लगाने का। फिलहाल मैं इसको पहले लगा लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। भाई यहाँ पर जैक वगैरह सब लगा लिया पीछे वाले टायर पे। दिस इज माय कार, दैट्स व्हाई डूइंग दिस मच ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये मॉडिफिकेशन आपको कैसे लगी, बिकॉज ओनली वन इन होल इंडिया। Guys, these are the disc brakes that I am giving to you. These are totally aluminium, 1 millimeter की इनकी वो है विद है। और इनके पीछे जो खांचे हैं ना, ये 5 nuts वाले, 3 nuts वाले, 4 nuts वाले टायर के अंदर सबके अंदर ही फिट आएगी। जो ये खांचे हैं सबके अंदर फिट आएगा। मैं आपको इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ कैसे परफेक्ट बैठते हैं। और ये जो कलर है, आपको कौन सा कलर चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी वेटिंग इसकी ज़्यादा है, इसलिए आपको ऑर्डर डिले हो सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है उसके ऊपर आप ये व्हाट्सएप से ऑर्डर कर दो और ये सीधा मैं आपको आपके घर पे डिलीवर करवाऊंगा। सॉरी फॉर मास्क। थोड़ी घुटन हो जाती है, आसपास कोई नहीं है ना, तो थोड़ा चलता है। एंड यस, हैंड्स आर ऑल्सो डर्टी पर सैनिटाइज, समझ जाओ यार। ठीक है, सो लेट्स इंस्टॉल। ओनली वन एंड ओनली नेक्सॉन दैट ही हैज फीचर्ड दिस काइंड ऑफ कंटेंट, द फ्रंट डिस्क कैलिपर्स एंड द रेयर डिस्क ब्रेक्स। गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो। हमने कैलिपर को, जो पीछे का ड्रम है ना, इसको हमने कर दिया एकदम क्लीन। अब यहाँ पर एक डिस्क लगा कर देखते कि कौन सा खांचा कैसे बैठता है। और ये है राइट साइड की, ये उस साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है। लेट्स सी, लेट्स सी। हमें अगर ना, हमें ना मेन टायर का सेंटर देखना है, ताकि जब डिस्क घूमे ना, दिस इज द परफेक्ट एंगल। अब इसके पीछे जो एक डबल टेप है ना, डबल टेप, ये मैं पीछे से जो डबल है वो उतार देता हूँ। एंड यस, नाउ लेट्स टेक इट। सो गाइस, आई हैव स्टक इट इन द सेंटर, एज यू कैन सी, एकदम सेंटर में मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब इसकी करते हैं हम टायर इंस्टॉलेशन, लेकिन उससे पहले टायर ऑब्वियसली क्लीन। फाइनली दिस इज डन, कैन यू सी, दिस इज हाउ द डिस्क लुक्स व्हाइल इट रोटेट्स। मतलब ये हाथ में इतनी बड़ी लग रही थी एंड रियलिटी में सच में छोटी है। इफ यू वांट टू बाय दीज डिस्क ब्रेक्स एंड दीज कैलिपर्स, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल शिप इट टू यू। यस, दिस इज अ स्ट्रीट बिजनेस बिकॉज नोबडी इज सेलिंग देम। एंड यस, आई नो द सोर्सेस दैट वेयर यू कैन गेट इट। ओके, सो यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप मी एंड इट वुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कार ऑल्सो। सॉरी अगर आपको वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही हो और वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि ना मास्क लगाकर ये सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, आई मीन ध्यान नहीं लग पाता। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़, ये इंस्टॉलेशन वाला जो काम है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाया है ऑब्वियसली आपको। ये ऐसी लग रही है जैसे आप कैलिपर आगे देख रहे हो, घूमते हुए ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि अलॉयज 16 इंच के स्टॉक अलॉयज हैं। ओके, एंड द रेयर डिस्क ब्रेक, ये तो जान में जान डाल रही है यार, बढ़िया लग रही है, नाइस। ये भी चलते हुए अच्छे लगेंगे आई बेट। अब चलो इस साइड का मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ पर लगने बाकी है। दिस इज अ स्टॉक लुक एंड दैट लुक जो आपने देखी ली है वहाँ पर, वो डैश लुक है। आगे की जो कैलिपर्स की इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है, पीछे की डिस्क लग चुकी है, लगी हुई कुछ ऐसी लगती है। अगर ड्रम क्लीन भी करने के लिए खोलना हो तो बीच से खुलेगा एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये डबल टेप से चिपक चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब टायर को थोड़ा क्लीन करके यहाँ पर सेट कर दूंगा और लगने के बाद ये कुछ लगता है ऐसा ऐसा, बढ़िया लग रहा है यार एकदम। फाइनली दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज डन एंड दिस टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू अनस्क्रू एंड स्क्रू 2 sets ऑफ टायर्स, मतलब आगे पीछे के सारे टायर्स खोले गए हैं एंड देन ये मॉडिफिकेशन हुई है।
सो गाइज एज यू हैव सीन ऑल द इंस्टॉलेशन पार्ट दैट इसके अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत लगी एंड कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं. सो फॉर दैट एफर्ट क्लिक अ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका एक सब्सक्राइब मतलब ऐसी ऐसी अल्टीमेट मॉडिफिकेशन एंड ऑब्वियसली रिव्यूज, लाइफ स्टाइल वीडियोज वुड बी कमिंग अहेड. Now if I tell you about the cost was between 600 approximately for the rear disc brakes and 800 or 800 to 850 for the calipers and 120 rupees for the glue that was spent on it. इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई खर्चा नहीं हुआ है, ऑब्वियसली दिस इज़ ज़्यादा. इफ़ आई टेल यू गाइज कि इसका जो आइडिया है वो मेरे पास कहाँ से आया, सो आई हैव सीन अ पंजाबी वीडियो सॉन्ग दैट नेम इज़, उसका नाम क्या था यार, उस पंजाबी गाने का नाम था इट वॉज तू ही दस दे. उस गाने के अंदर एक काली लैम्बोर्गिनी आती है, फिर उसके अंदर जो उसका व्हील होते हैं उसके बीच में येलो एक कैलिपर्स लगे होते हैं. भाई दिमाग फट जाता है वो देखकर. तो मैं सोचा कि थी कोई नहीं, अपनी छोटी सी टाटा नेक्सॉन के अंदर वो बड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देखते देखते कैसा रिजल्ट आता है. तो उस गाने की वीडियो से मोटिवेशन लेने के बाद मैंने रिसर्च करी कि इसके अंदर क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज रेयर वाली व्हील के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि वो 1 mm की शीट है. 1 mm इज एक्चुअली नथिंग फॉर अ रेशियो ऑफ गेटिंग टायर आउट ऑफ, मतलब बॉडी से टायर बाहर आना, ऐसी कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स वेरी 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 थिन. क्योंकि उसके अंदर जो डबल टेप है 2 mm मान लो, 2 mm इज नथिंग. बात आ जाती है फ्रंट टायर्स के ऊपर कि फ्रंट टायर्स के अंदर उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. इन द फ्रंट टायर इट इज़ अ रिस्क दैट कि आपका वो चीज़ निकल जाए एंड वो टायर में अड़ सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो हमारी डिस्क ब्रेक होती है ना, जैसे मान लो, जस्ट इमेजिन, अपने ख्यालों को थोड़ी और ऊंचाइयों पे ले जाओ और सोचो कि आपका जो कैलिपर है ना वो टायर के अंदर चल रहा है, टू जेड किसी भी रीज़न से वो निकल जाता है. आप ये सोचोगे कि यार वो घूम कर मेरी डिस्क ब्रेक की जो डिस्क चल रही है उसमें फंस सकता है, मेरा टायर जाम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर वो निकलेगा ना तो फिर पहली बात तो ये ना उंगली के गैप के अंदर है. उंगली मतलब मैं उसके अंदर अपनी उंगली भी नहीं डाल पा रहा हूँ, इतनी पास वो टायर से चल रही है. तो टायर का जो प्रेशर होता है ना वो उसको तोड़ के निकाल देगा साइड में. तो पहली बात तो दिक्कत ख़त्म. दूसरी बात, लोग कहेंगे कि यार मेरी गाड़ी हीट मारेगी, मेरी डिस्क ब्रेक्स इतनी गर्म हो जाती है क्योंकि रबर का उसके ऊपर वो भी आ जाएगा, तो वो कूल कैसे होगा, मेरा कैलिपर सेट कूल कैसे रहेगा, मेरी ब्रेक फेल हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. मैंने उसके बाद 3,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है इसको चेक करने के बाद. एक्चुअली जो मॉडिफिकेशन वीडियो आप देख रहे हो ना, ये है कम से कम अगस्त की, अगस्त से लेकर अक्टूबर आ चुका है. दिस अक्टूबर 10 टुडे. सो कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर भी. देन कम्स कि इसके अंदर हीट हो गया, निकलने का डर हो गया. द थर्ड थिंग दैट कम्स इज कि इसके अंदर जब हम इसके कैलिपर्स के ऊपर चिपका देंगे तो हमारे ब्रेक पैड्स क्लीन कैसे होंगे, उसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे. उसका ही मानजरा तुम्हारे भाई ने सॉल्व कर दिया है. इसको हमने इस तरीके से लगाया है कि आएगी, क्योंकि इसके अंदर नट पीछे से खुलता है. एंड यस, फॉर टाटा नेक्सॉन आई हैव सीन, अगर किसी और गाड़ी के लिए आप इसे देख रहे हो तो भैया ध्यान से देखना, ऐसे लगाना कि बाद में उतारने की नौबत ना आए. क्योंकि एक बार लग गए ना तो फिर जब तुम्हारा शौक खत्म हो जाएगा ये तभी उतारने वाली चीज़ है. एंड द फाइनल दिक्कत, जो सच में एक दिक्कत है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में दिक्कत है कैलिपर लगाने के बाद. थोड़ा इधर आ जाता हूँ, लाइट आ रही है इधर से. सो गाइज, जब आपने देखा होगा कि मैंने एक उंगली डाली तो वो कैलिपर एक उंगली से ज़्यादा गैप दे ही नहीं रहा था उसके अंदर, मतलब दिस मच इज़ द गैप ऑफ द कैलिपर. ठीक है, ये हो गया. अब दिक्कत क्यों आएगी, मान लो अगर आपका बीच रास्ते हाईवे के अंदर टायर पंचर हो गया एंड अगर आपको टायर अपनी बूट में से निकालना है, मतलब आपको स्पेयर टायर निकालना है और वो लगाना है, इसके अंदर क्या दिक्कत होगी, वो टायर होता है 1 inch कम तुम्हारे ओरिजिनल उससे टायर से. अगर 16 inch का हमारे पास आ रहा है हमारे अलॉयज, तो जो तुम्हारे बूट के अंदर पड़ा होता है ना स्पेयर टायर, वो होता है 15 inch का मान लो. मैंने सुना है
आई एम नॉट कन्फर्म, मैंने नापा भी नहीं है, लेकिन वो 15 इंच का कहते हैं कि शायद वो एक इंच छोटा होता है जेन्युइन टायर से। तो अगर वो टायर आप लगा दोगे ना तो आपका कैलिपर टूट के गिरता है अगर साइड में, क्योंकि घूमने के लिए उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। सो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, अगर टायर पंचर होता है तो भैया ना ही हो वो भी बढ़िया बात है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द फ्रेंड्स हु जिनको ये खुराफाती मॉडिफिकेशंस करने का काम है। क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ये हर कोई नहीं करवाएगा अपनी कार के अंदर। कोई मान लो कि फैमिली वाला बंदा है वो क्यों करवाएगा, उसका क्या फ़ायदा है करवाने, वो कैलिपर्स पेंट करा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, यू आर सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो कि आप इस कैलिपर्स को पेंट ना करा, कैलिपर स्टिक ना करिए, क्योंकि मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जा चुका हूँ इस चीज़ को। कैलिपर कवर्स को एक्चुअली ना स्टिक करके आप उसके खाली कैलिपर्स को पेंट कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो गिव अ रिच लुक। बट मैं एक अल्ट्रा रिच लुक के अंदर चला गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बी यू क्रिएट न्यू। हाँ ये तुम्हारे भाई का स्लोगन है, एक इसे एक एंट्री के लिए कह दो या इसे एग्जिट के लिए कह दो, ये तुम्हारे भाई का स्लोगन है, बी यू क्रिएट न्यू, मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल है। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी यू क्रिएट न्यू, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, सब कर दो, तुम मेरे भाई हो, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।